हे गाइस, वेलकम बैक टू डॉली आर्ट रूम। क्या गाइस, आपको भी गार्डन में घूमना अच्छा लगता है? तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक ड्राइंग बनाएंगे गार्डन रिलेटेड। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्काई ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ, साथ ही डार्क ग्रीन कलर एंड लेमन येलो का यूज़ करूँगी। गाइस, मैं आज कैनवास का यूज़ कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर। ये इसमें सबसे बेस्ट ब्रश होता है फ्लैट ब्रश, मर्ज करने में ये थोड़ा इजी होता है, इसलिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। हम लोग अब धीरे धीरे कलर को मिलाएंगे, ऊपर से धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जब पूरी तरह से ये मर्च हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग बादल बनाएंगे, तो बादल के लिए वाइट कलर का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कोई स्कॉच ब्रश से भी आप स्काई का टेक्सचर दे सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बूसेस बनाएंगे। बूसेस बनाने के लिए आप फैन ब्रश है तो आप फैन ब्रश का यूज कर सकते हैं। गार्डन में तो बहुत टाइप के पेड़ पौधे होते हैं और झाड़ियाँ होती है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा येलो कलर का टचअप ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा हाईलाइट होकर के निकले। गार्डन का व्यू होता है ना गाइस, रियली बहुत ही खूबसूरत होता है, दिल को छू लेने वाला होता है। ऐसे बहुत नॉर्मली धीरे धीरे से ब्लेंड कीजिएगा ताकि ये उभर के निकले कलर अच्छे से।
गार्डन है तो फ्लावर तो होंगे ही, तो हम लोग अब फ्लावर ड्राइंग करेंगे। उसके के लिए मैं पर्पल कलर का यूज़ की हूँ। नेक्स्ट हम लोग अब वाटर फाउंटेन पे ही काम करेंगे। उसके लिए मैं पाइंस ग्रे का यूज़ कर रही हूँ।
फ्लावर से सजा हुआ अब हम लोग एंट्री गेट बनाएंगे। उसके के लिए मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधा को जब भी किसी के थ्रू लटकाया जाता है तो एक लोहा पे उसे राउंड राउंड घुमा करके किया जाता है ताकि उसी पे वो खड़ा रहे। तो गाइस मैं भी वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ डिज़ाइन बनाती हूँ थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद मैं डार्क कलर डार्क ग्रीन का यूज़ करके उसके थोड़ा पत्ते उत्ते बना ले रही हूँ। अब मैं कुछ फ्लावर बनाऊंगी, पिंक कलर का फ्लावर, ताकि ये सुंदर लगे देखने में। अगर आपके पास फैन ब्रश नहीं है तो आप पुराना ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, उसके पूरा ख़राब हो चुके हैं उसके ब्रश ये सब, तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लावर बनाने के लिए, घास बनाने के लिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए, सबका यूज़ करना सीखिए। कहीं कहीं पे हम लोग डार्क फ्लावर डालेंगे, उसके के लिए मैं डार्क पिंक का यूज़ कर रही हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।